दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 1000 स्क्वायर फीट में और जब आप छत ढलाई करते हैं तो उसमें कितना सरिया लगता है और इसका वेट क्या होता है, अप्रॉक्स में कितना सरिया लग जाता है। ये देखिए मैं एक आपको साइड दिखा रहा हूँ और ये साइड 20x50 स्क्वायर फीट का है। 20 फीट इसकी चौड़ाई है और 50 फीट लंबाई है ये प्लॉट की। तो इसमें सरिया कितना लगा है जी, छत पे मैं खड़ा हूँ और इसी को वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पूरा देखिए छत का जाल बन चुका है, सारी बीमें भी कंप्लीट हो चुकी हैं जो बीम बीच में हैं। और इसमें मैं आज बात करूँगा कि सरिया कितना लगा है, पूरा A to Z जानकारी देने वाला हूँ। और यहाँ पर बीम से जो पड़ी हैं वो कहाँ कहाँ पर पड़ी हैं, और यहाँ पर देखिए छत में वायरिंग भी हो चुकी है। जब छत ढलाई होती है तो वायरिंग के लिए जो पाइप्स पड़ते हैं, फ़ैन बॉक्स पड़ते हैं, लाइट वाले बॉक्स पड़ते हैं, वो सारे ऑलरेडी यहाँ पर पड़ चुके हैं। तो ये 20x50 का जो प्लॉट आप देख रहे हैं इसमें सरिया कितने क्विंटल लगा है। और अभी हाल ही में फ़िलहाल जो आज मैं डेट में वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज 1 मई 2022 है और 1 मई 2022 को जो स्टील सरिया का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आपको पता है लगभग 74 से 75 रुपये प्रति किलो या 7400 या 7500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारे यहाँ कानपुर में सरिया इस समय मिल रहा है, जो कि रिटेल प्राइस है। और इसी में ये सरिया अप्रॉक्स जो लगा है, मैं सिर्फ छत का बताऊंगा, आप पिलर भी खड़े देख रहे होंगे ऊपर, इनका नहीं बताने वाला हूँ। तो मैं बता दूं आपको, लगभग इसमें आपका सरिया 12 क्विंटल पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें हॉल है, हॉल में मोटा सरिया पड़ा जो आप देख रहे होंगे कुछ। ये देखिए बीम से आप देख पा रहे होगी वाली बीम, इसमें 6 सूत का सरिया पड़ा है जो आप देखते हैं। 6 सूत का सरिया होता है, 3 सूत का और 4 सूत का। तो एक बीच में यहाँ पर, क्योंकि नीचे पिलर नहीं है इसलिए मोटा सरिया डाला जाता है, इसमें वेट वो सह सके। और कुछ सरिया यहाँ पर 4 सूत का पड़ा है और बाकी 3 सूत का सरिया पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल लगभग 12 क्विंटल सरिया यहाँ पर लग चुका है, जो कि बीम और ये जाल बंधने में लगा है। सारी बीम्स जो कि मोटा वाला भी इंक्लूड, ओवरऑल 12 क्विंटल सरिया यहाँ पर लगा हुआ है। जाल की बात करें तो जाल जब भी आप डलवाएं तो 6x6 जो ब्लॉक बने हुए हैं, जो ब्लॉक कटे हुए हैं, 6x6 से ज़्यादा न डलाएं। इंच की मैं बात कर रहा हूँ, कि जैसे आप ब्लॉक देख पा रहे होंगे, मैं दिखा दूँगा आपको नज़दीक से, जैसे ये ब्लॉक बना हुआ है तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये देखिएगा आप, ये वाला ब्लॉक, इसकी मतलब कि 6 इंच इधर लंबाई है, 6 इंच ही चौड़ाई है। इससे ज़्यादा सरिया नहीं डलाना चाहिए, क्योंकि फिर लेंटल जब भी आपका छत ढल जाता है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो 6x6 से ज़्यादा ना डलाएं, जो कि मैक्सिमम भी है, मिनिमम भी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं मिलती है। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया 1000 स्क्वायर फिट में जो सरिया पड़ता है, क्योंकि 20x50 का प्लॉट है जिसमें 3 फिट एक्स्ट्रा छज्जा जो बाहर निकलता है, वो देखिए छज्जा यहाँ पर निकल चुका है। और उसमें भी मतलब कि लगभग ये 20x53 फिट का ये मकान बन चुका है, उसमें सरिया 12 क्विंटल लग चुका है। तो आपको आइडिया लग गया होगा, अगर आप मकान बनवाने जा रहे हैं कि आपको मकान बनवाने में कितना सरिया लगता है, तो आपको पता चल गया। छत की मैं बात करूँ, 12 क्विंटल सरिया लगा हुआ है। पिलर्स जो आप भी खड़े देख रहे हैं ये अलग से हैं, इसमें 14 पिलर हैं और 4 सूत का सरिया पड़ा हुआ है, इसका वेट अलग है। सिर्फ छत की बात करूँ, जाल की बात करूँ, बीम्स की बात करूँ, उसमें 12 क्विंटल सरिया लग चुका है। तो ये जानकारी या वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए, अगर आप किसी भी और चीज़ का जानना चाहते हैं कि वायरिंग वगैरह कैसे करना है या आपका आगे का जो लुक होता है वो डिज़ाइन कैसे बनाना होता है, देखिए इस प्लॉट में आगे डिज़ाइन भी बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं वाइट कलर का एक ये डिज़ाइन, एक मिस्त्री है उसने बनाया है। हमारे यहाँ जो स्क्वायर फिट चलता है डिज़ाइन बनाने का, वो लगभग 80 रुपये स्क्वायर फिट इसने लिया है, 20 फिट का है, तो 1600 रुपये में डिज़ाइन बना के गया है। और आज इसका छत ढलना है, मशीन वगैरह आ रहा है, लेबर वगैरह आ रहा है, तो वो सब कंप्लीट कर देगा। तो ये जाल में आपको पता चल गया कि 1000 स्क्वायर फिट में सरिया छत में कितना लगने वाला था। थोड़ा 19-20 हो जाता है, अगर आप वाले में बीमें कम हैं या बीमें ज़्यादा हैं तो थोड़ा क्विंटल, 1-1.5 क्विंटल का डिफरेंस आ जाता है सरिया में। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।